over a period of time. That we put it that way. Over a period of time, the salary structure of the board became very exorbitant. You've just come in, but is it in your priorities to revisit that, or do you plan to continue? मैं आपको frankly बताऊं जी, चार चार बंदे अभी गए हैं, तो हमने साल का 13 करोड़ रुपया बचा लिया। तो ये मेरे लिए एक बड़ा एक पॉइंट है जी कि आप आई थिंक इसमें वेरिएशन है जी, आपको पैसे आजकल देने हैं जी, और अगर आपको मामला आगे बढ़ाना है, मगर मैं ये जो इतने पैसे हैं, मैं ये स्ट्रक्चर लाइट्स का कदाफी स्टेडियम में ब्रांड न्यू खड़ा कर सकता हूँ। तुम्हारी प्रायोरिटीज जो है ना जी, वो आप हार्वर्ड ग्रेजुएट को चीफ एग्जीक्यूटिव बना दें तो नीचे जो माली हैं और जो काम कर रहे हैं, क्यूरेटर जो पिच बना रहा है, असल में काम तो वहां करने वाला है, क्योंकि वहां पे अगर ठीक नहीं रहेंगे तो और ये डिफरेंट बीस है, ये मल्टीनेशनल नहीं है जहां बैंक्स नहीं है, यू नो, जहां पे आप एक कल्चर में रह रहे हैं, यहाँ पे कई वेरिएशंस हैं जी। सो आपको बिल्कुल एक माली से भी, अभी इस वक्त तक मेरे आज 24वां दिन है, सबसे ज्यादा जो मैंने मीटिंग्स की हैं वो एनालिस्ट से की है कि इंडिया का डाउनफॉल कैसे प्लॉट करेंगे ये लोग, मैंने क्यूरेटर से की है कि पिचेस कैसे बनती हैं यहाँ पे, मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर वाले से की है कि ये हम बॉक्सेस जो हैं, मैं समझता हूँ कि आगे चल के बात भी की है कि जो पीसीबी के जो ऑफिस हैं वो आपके बेस्ट बॉक्सेस बन सकते हैं, और हमने बेस्ट स्पॉट्स लिए हुए हैं एज ऑफिस। सो ये भी मेरी एक ड्राइव होगी कि इसका इस्तेमाल करके इसको पोटेंशियल स्पॉन्सर को दें और हम क्रिकेट हाउस में शिफ्ट हो जाए, जो हमारी प्रॉपर्टी है लाहौर में। ये चीजें हैं जी जो करने वाली, बट मेरा ओवरऑल तो यही है जी कि पैसे बचाएंगे, और ये खाम खा की जहाँ पे पैसे लगने लगाएंगे जरूर, अगर आपको कमर्शियल में एक टॉप क्वालिटी, क्योंकि कमर्शियल जो है वो आपकी क्रिकेट को ड्राइव करेगी, बिल्कुल आपको बेस्ट आदमी वहां लेना चाहिए, और आगे चल के जो भी होगा वो एक पाकिस्तान को सामने रख के और इस ऑर्गेनाइजेशन को सामने रख के करेंगे। सो वो रेस्ट अश्योर्ड के आपके और मेरे ख्याल इस लिहाज से बिल्कुल मिलते हैं, क्योंकि मैं वी बिलीव करता हूँ कि हम कम पैसों में टैलेंट को लेके आ सकते हैं। तहत इनको रजिस्टर कराना था, वहां पे हमें इम्पेडिमेंट्स हैं जी, वो रोड ब्लॉक्स हैं कुछ लीगल, और उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, मेरे ख्याल में इनके पास है जी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन विद योर परमिशन। क्लब्स का जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो हमने अपने तौर पे कंपाइल कर लिया, बट कुछ मेंबरान ने जिक्र भी किया थोड़ी सी पॉलिटिसाइजेशन इस प्रोसेस में भी है, तो वन ऑफ दी वन नहीं कलेक्शन ऑफ क्लब्स वेंट टू द कोर्ट, उन्होंने स्टे ले लिया कि जी आप अनाउंस ना करें रिजल्ट, तो वो हमने लास्ट वीक वी वर एबल टू गेट द स्टे डिस्पोज्ड ऑफ, एंड इंशाल्लाह अर्ली नेक्स्ट वीक तक अनाउंसमेंट हो जाएगी। देयर इज अबाउट मोर देन 4100 क्लब्स जो हमारे साथ रजिस्टर हो गए हैं, और उसके बाद स्क्रूटनी का प्रोसेस होगा, स्क्रूटनी के बाद इलेक्शन जो है जैसे आपने पूछा, दैट विल बी द नेक्स्ट स्टेप। तो ये हमारा स्टेप वाइज अप्रोक्सीमेटली सर, इसमें अगेन सब्जेक्ट टू द डिफिकल्टीज वी फेस एंड लिटिगेशन जो अक्सर रहती है इस चीज के अंदर, जो सिटी क्रिकेट एसोसिएशन हैं उनका मेरा ख्याल है टुवर्ड द एंड ऑफ द ईयर या बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर तक इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो काफी हद तक प्रोग्रेस हो चुका होगा। जो दूसरा मेरा सवाल आपसे था, next time we will target Ramiz Raja sir, because he would have been in the saddle for a longer time. अभी कर लें सर, मैं तो अभी I'm quite prepared. वो ये था कि there was a tremendous increase in the funding for domestic cricket. 70 थी शायद 2 billion या 2 billion के करीब हो गई, but वो कुछ नजर on ground नहीं आई. Is there any particular reason for that, and what steps is the board taking in that respect? So in terms of funding, I think the focus one has increased to a great deal towards domestic cricket. Isme agar aap presentation mein fir unne bheja aapko ki the number of cricket events jo humne karaye domestic level pe bhi, despite covid I think we were the only world only board jisne apna in the world jisne apna pura domestic cricket season jo hai wo complete kiya.
फंडिंग अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से एक्सपेंस बहुत बढ़ गया हमारा इन क्रिएटिंग दीज कोविड बबल्स. ये होटल्स जो है वो आपको पूरे फ्लोर्स बुक करने पड़े, पीएसएल में हमें पूरा होटल बुक करना पड़ा इवन विद एम्प्टी रूम्स बिकॉज यू हैव टू क्रिएट दैट एनवायरमेंट. अनफॉर्चुनेटली जहां कभी हमने थोड़ा सा लेस सिक्योर किया वहां इंसिडेंट्स क्रिएट हो गए. सो वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक. हमने यही डिसाइड किया कि इस पर अब कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता. सो फंडिंग अ लॉट ऑफ इट हैज गॉन इनटू प्रिपेयरिंग दीज एनवायरमेंट्स. बट आप अगर अभी भी नेशनल T20 का टूर्नामेंट चल रहा है वो उसकी अगर आप क्वालिटी देखेंगे आप देखेंगे कि प्रोडक्शन के ऊपर कितना डिफरेंस है फ्रॉम इन द पास्ट. अनफॉर्चुनेट ये भी बात है कि आप हम खुद बन के केबल पे नहीं लगा के देखते बिकॉज यूट्यूब के ऊपर HD क्वालिटी आ रही होती है, नॉर्मल हमारे केबल पे नहीं आ रही होती. अगर आप कभी इत्तेफाक को लगा के देखेंगे आप देखेंगे कितना बड़ा डिफरेंस है बिटवीन द क्वालिटी ऑफ क्रिकेट जो ब्रॉडकास्ट हो रही थी पहले और अब. और ये वही स्टेप्स हैं, चेयरमैन ने भी इस पर आई थिंक इंडिकेट किया थोड़ा कि प्रोडक्ट जब अच्छा बन जाएगा तो वी विल बी एबल टू अट्रैक्ट बेटर इन्वेस्टर्स. तो वो उसके अंदर भी एक इन्वेस्टमेंट हमें करनी पड़ रही है कि वी आर पुटिंग इन मोर फंड्स एंड मोर एक्सपेंसेस इनटू क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट व्हिच बिकम्स अट्रैक्टिव फॉर पीपल टू वांट टू एसोसिएट विद अस. तो क्रिकेट बहुत हुई है सर इवन ड्यूरिंग कोविड पीरियड्स और फंडिंग उसकी वजह से एक्सपेंस भी ज्यादा है. राइट्स का भी हो गया जी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि अगर क्योंकि हमने कहा था कि इससे कमर्शियली बहुत पैसे बन सकते हैं अगर स्टेडियम के नेमिंग राइट्स हम कंपनीज के हवाले कर सकें तो उसके ऊपर भी वो पेप्रा के थ्रू हम निकालेंगे. जी